हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और क्या है कि नेक्स्ट जो वीक है उसका एक मूव जानने की कोशिश करेंगे और क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, सो आपको पता चल सके कि कौन से सपोर्ट होंगे, कौन से रेजिस्टेंस होंगे, कहाँ ये सपोर्ट ले सकता है, कहाँ ये रेजिस्टेंस लेता है, वो सब। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो पहले वन वीक का परफॉर्मेंस देख लेते, बाद में हम वन डे पे देखेंगे। तो जो हमारा निफ्टी है वन वीक पे आपको एक अपर ट्रेंड में दिखता हुआ जाएगा। देखिए आपको क्या है कि देखो पिछले जो वीक था उसमें आपको एक इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिली थी, लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं मिला और इस वीक में फिर से आपको अप ट्रेंड फिर से देखने को मिल गया। तो ये क्या होता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी भी निफ्टी में जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। बाद में हम RSI की बात करें तो RSI भी वन वीक पे ओवरबॉट जोन में नहीं है। जो RSI का लेवल है वो 63.24 है। बाद में क्या है कि जो MACD है उसमें भी क्या है कि नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को नहीं मिल रहा है। तो वन वीक के टाइम फ्रेम पे आपको निफ्टी में कोई ऐसा डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब आपको वन वीक पे एक अपसाइड ही देखने को मिल रही है। ये हो गया क्या है कि वन वीक पे क्या वहां इसके सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस हो गए और जो है कि ये बुलिश है या बियरिश, तो वन डे पे वो सब देखते। तो मैं चार्ट को वन डे पे शिफ्ट कर लेता हूं। तो वन डे पे देख रहे तो पहले हम RSI देख लेते। तो RSI क्या था, पिछले वीक में ये डाउन आया था, फिर से इस वीक में पिछले तीन दिन में यह अपसाइड निकल चुका है। हाल फिलहाल जो RSI का लेवल है वो कितना है, 60.15, मतलब ये अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। बाद में हम जो MACD है उसकी बात कर ले, तो MACD में पिछले वीक इसने नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया था, लेकिन बाद में ये फिर से अप आने लगा है, लेकिन इसने फिर से कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी तक नहीं दिया। हाँ, जो अभी इसके हिस्टोग्राम है उसमें क्या है कि पॉजिटिव आना स्टार्ट कर चुका है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में ये फिर से आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर देता दिखे और अपना जो निफ्टी का चार्ट है वो अपसेट जाता हुआ दिखे। तो ये हो गए निफ्टी की बात। नॉर्मली जो अभी लग रहा है, जो सिचुएशन लग रही है उसके हिसाब से ये आपको क्या है कि एक पॉजिटिव वे में दिख रहा है। तो अब इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते। तो जो निफ्टी में मेरा पहला सपोर्ट होगा वो होगा 11,830 का लेवल। अगर ये आपको 11,830 के लेवल, जो ये लेवल है, इससे कोई अपसाइड जाने का मूव देता है इन फ्यूचर, तब आप इसमें बाय साइड आ सकते हो, मतलब निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। बाद में अगर इसके नीचे मेरे को सपोर्ट चाहिए निफ्टी में, तो इसके नीचे का जो लेवल होगा वो 11,700 का लेवल होगा। बाद में अगर इसके भी नीचे हमें कोई लेवल चाहिए वन डे के हिसाब से, तो 11,480 का लेवल जो है वो आपको सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। और एक है कि ये जो आपकी राइजिंग क्या है कि सपोर्ट लाइन है, ऊपर जाके ये थोड़ा नीचे आके रिट्रेस करके इस लाइन से भी आपको एक अपसाइड मूव मिल सकता है। तो अगर ये राइजिंग सपोर्ट लाइन भी आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखो, अगर इस पे कोई ऐसा मूव मिलता है कि आपको लगे कि नहीं ये रिट्रेस करके अप जाने का साइन दे रहा है, तब आप इधर से भी निफ्टी में बुलिश हो सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी का जो सपोर्ट है वो। लेकिन अब हम देखते हैं कि निफ्टी के रेजिस्टेंस कौन कौन से, वो आगे जाएगा तो कहाँ से ये नीचे आ सकता है। तो अभी जहां हम खड़े हैं वहां से अगर मेरे को पहला रेजिस्टेंस चाहिए, तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 12,160 का लेवल होगा, जो इसका हाई है वही मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तब जो मेरा दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो 12,400 का लेवल होगा। बाद में ये अगर इसको भी ऊपर निकल जाता है, तो जो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो 12,560 होगा। ये जो ऊपर के दो लेवल है वो मैंने कैसे निकाले, तो नॉर्मल बात है, ये मैंने फिबोनाची रेशियो से निकाले। तो ये हो गया हमारे निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और नॉर्मली अभी हमें निफ्टी में बुलिश व्यू ही दिख रहा है, क्योंकि क्या है कि वन वीक पे भी आपको एक अप ट्रेंड में फिर से आता हुआ दिख रहा है। बाद में नॉर्मल बात है कि पिछले तीन दिन में भी आपको एक अपसाइड देखने को मिली है। तो एक बार जो ये 12,160 का लेवल है उसको ब्रेक हो जाने दो, प्रॉपर तरीके से अगर ये ब्रेक हो जाता है तब आपको इसमें आगे के लेवल देखने को मिल सकते। तो हो सके तो एक दो दिन वेट कर लो इसको ब्रेक होने का, शायद ऐसा भी हो कि इसको ये टच करके फिर से नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा व्यू लग तो नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है। तो इसको एक बार प्रॉपर तरीके से ब्रेक करने दो जो ये 12,160 का लेवल है। तो ये था हमारी ओर से निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे और जो मेन ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड ही लग रहा है। तो ये था, आपको एक आइडिया आएगा कि निफ्टी में क्या हो सकता है।
तो अभी हम बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसमें कौन सा सपोर्ट रहेंगे, कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर अब हम आ गए, तो जो वीकली चार्ट है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट में भी आपको एक अप ट्रेंड में ही दिखने को मिल रहा है। एक क्या था, पिछले वीक एक पियर्सिंग पैटर्न बनी थी लेकिन उसका कुछ कन्फर्मेशन वगैरह आया नहीं और ग्रीन कलर की फिर से कैंडल बना दी है, तो हम बियरिश व्यू में अभी नहीं जाएंगे। और क्या है कि इसका जो RSI है वो हाल फिलहाल जो लेवल है वो 63.61 है, तो ये भी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। तो अभी हम देखते हैं इसका जो MACD लेवल है वीकली उसमें क्या है। तो जो MACD वीकली है वो अभी पॉजिटिव व्यू में है, मतलब पॉजिटिव ही है, इसमें कोई नेगेटिव क्रॉस ओवर आपको देखने को नहीं मिल रहा था। हाँ, पिछले जो वीक था उसमें आपको एक नेगेटिव क्या है कि बार देखने को मिला था, हिस्टोग्राम नेगेटिव मिला था, लेकिन इस वीक वो भी पॉजिटिव हो चुका है। तो मतलब वन वीक के हिसाब से जो हमारा बैंक निफ्टी है वो पॉजिटिव व्यू में ही है। अभी हम इसको वन डे पे देख लेते हैं क्या इसमें है, कौन सा व्यू है और क्या इसका सपोर्ट रहेंगे, क्या इसके रेजिस्टेंस रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो इसको मैं वन डे पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो अब हम वन वीक पे आ गए, तो पहले RSI का लेवल डिस्कस कर लेते, बाद में MACD लेवल डिस्कस कर लेते। तो जो हमारा RSI है वो अभी हाल फिलहाल 63.35 पे लेवल पे खड़ा है, मतलब ये भी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो उसकी भी कोई दिक्कत है नहीं। बाद में जो हमारा MACD है उसने नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया था, लेकिन यह अभी क्या है कि फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर देने के मूड में आ गया है, क्योंकि जो पिछले दो बार है, पिछले तीन बार नहीं, इसमें पिछले दो बार आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, तो हो सके आगे आने वाले दिन में ये फिर से पॉजिटिव में आ जाए। तो ये था आपका RSI एंड MACD। अब हम देख लेते हैं जो हमारा बैंक निफ्टी है उसमें कौन सा सपोर्ट रहेंगे, कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे। तो जो मेरे बैंक निफ्टी में मेरा पहला सपोर्ट रहेगा वो 31,030 का लेवल रहेगा, ये मेरे पहले सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो इसके नीचे थोड़ा ही नीचे मेरा दूसरा जो लेवल है वो है 30,830 का लेवल। अगर ये दो लेवल के बीच में भी आपको कहीं से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिले तब भी आप इसमें बाइंग में आ सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, तो आप इसे जोन की तरह भी यूज कर सकते हो वन डे के हिसाब से। तो ये हो गए हमारे सपोर्ट, और एडिशनली सपोर्ट है तो ये जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है वो भी आप यूज कर सकते हो। अभी देखो ये दो पॉइंट मैंने ज्वाइन करके एक लाइन खींची है, तो अभी जहां से रिवर्सल हुआ है वो भी क्या है कि ये लाइन को टच करके ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में ये भी आपकी सपोर्ट की तरह वर्क करे। तो ये था आपके सपोर्ट। अभी हम बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरा मेन रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी में वो थोड़ा ही ऊपर है, जो है इसका 32,150 का लेवल, जो इसका लास्ट हाई है वही मेरा मेन रेजिस्टेंस रहेगा। और जो ये 32,150 का लेवल है वो मेरे को लगता है कि नहीं मंडे ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है मंडे। तो आपको अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 33,220 का लेवल। अगर ये लेवल पे भी मेरे को रिवर्सल देखने को मिलता है, वहां से एक डाउन साइड देखने को मिलते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो हमारा बैंक निफ्टी है वो अभी रिवर्स होने के चांसेस दे रहा है। अगर ये इसको भी ब्रेक करके चला गया ऊपर तो जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 34,000 का लेवल रहेगा। अगर ये 34,000 के लेवल पे भी रिवर्सल देके नीचे आने का साइन देता है तब भी हम वहां से सेल साइड एंट्री ले सकते हैं। तो ये हो गए आपके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको पता चला होगा कि कौन से रहेंगे सपोर्ट, कौन से रहेंगे रेजिस्टेंस, तो आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने में आसानी हो। तो ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आके लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।